बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल टैल इंस्टीट्यूट बाय मार्कन कंप्यूटर्स एंड दिस इज मोहसिन अहमद सिद्दीकी। गाइस, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान के रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मसरूफियात बढ़ गई हैं, माह रमज़ान आ गया है। सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा टाइम लगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है और आपको तो पता ही है कि तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन लग जाते हैं गाइस, और रमज़ान मुबारक की वजह से थोड़ा सा और डिले हो गया। रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप सो आप मेरी वीडियोज़ इन्जॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मगर और चाहिए, और ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए। आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो सही से वीडियो? अच्छे से वीडियो देखो और ज़्यादा देखो। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन मेरी थी वैसे नहीं आ रही है। आप लोग इस तमाम चीज़ों को सीखने के लिए पैसे ज़ाया करते थे, आज आपको ऑनलाइन मिल रही है, तो देखो गाइस, सीखो, दूसरों को सिखाओ, हेल्प करो। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रमज़ान मुबारक है और बहुत प्यारा सा गिफ्ट है मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, होली कुरान इन एमएस वर्ड। आई होप सो पहले भी सुना होगा आपने, पहले भी देखा होगा, मे बी बहुत कम लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया होगा। तो आज मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा, कैसे करेंगे। फॉलो मी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिक्वायर्ड फर्स्ट अ सेटअप ऑफ 32 बिट। अगर आपके पास 64 बिट है तो आप इंटरनेट से 64 बिट भी ले सकते हो। मेरे पास 32 बिट है तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन है, समझे मजबूरी, जितनी चीज़ें हैं उसके हिसाब से ही काम किया जा रहा है। रिसोर्सेज बहुत कम हैं, चीज़ें बहुत कम हैं, तो जितनी हैं बस आपके लिए कर रहा हूँ किसी तरह से भी। आगे पतनी टाइम होना होगा, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सेटअप की फ़ाइल ओपन करनी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सेटअप ओपन करूँ, अवेस तुम्हारे लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने मुझे बताया था कि लास्ट टाइम हमने जो है वो ऑफिस इंस्टॉल करने के तरीके सीखे थे, तमाम जितने भी ऑफिस थे उन तमाम ऑफिस को इंस्टॉल करने के तरीके सीखे थे। और आपने कहा था कि सर इसके अंदर जो है हमारे पास एमएस ऑफिस 2019 नहीं है। तो आपके लिए पता चलूँ, ये आपके लिए रेडी किया हुआ है पैकेज और अभी तक मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है आपके लिए। इसका पूरा प्रोसीजर और पूरा तरीक़ेकार विथ छोटा मोटा यूज़ मैं आपको बताऊँगा इसका, और इसको क्रैक करने का तरीका जो मेरा मेन मकसद है आप लोगों को सारे सॉफ्टवेयर फ्री करने का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके लिए अवेस, जैसे मैंने कहा था, इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। गुड न्यूज़ इज़ कि आपका ये सेटअप कुरान का जो है वो किसी भी ऑफिस पे चल जाएगा, 2007 हो, 2010 हो, या 2013 हो, या 2016 हो जो मेरे पास भी है, और 2019 तो आपके सामने है, उस पर भी हम ट्राई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे सेटअप फाइल को, बल जल्दी जल्दी करेंगे, ये जल्दी जल्दी करेगा काम, छोटा सा सेटअप है, फिनिश करेंगे। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपने वर्ड ओपन करना है। अगर आपने पहले से खोला हुआ हो तो आप प्लीज़ उसको क्लोज करके फिर खोल लेना, रिफ़्रेश कर लेना, ताकि जो भी एड ऑन इसके अंदर गया हो उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। लीजिए, आपका जो एडिंस वाला ऑप्शन है जो पहले अगर आपके पास नहीं आ रहा था तो अब यहाँ पर आएगा, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए अल कुरान यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अगर हम ऑफिस में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। तो गाइस, इसके अंदर आपको कैसे लेना है देख लेते हैं। सबसे पहले अबाउट में इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपके पास नॉलेज आ जाएगा, वो हो गया। इसके बाद सेटिंग्स में आप अपने जितना जो कुरान आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, पूरा पूरा कुरान है, ठीक है, अरेबिक कुरान है, उसका फॉन्ट साइज जो भी लेना चाहो बोल्ड कर सकते हो, आप करना चाहो कर सकते हो, ट्रांसलेशन वगैरह आपने करनी है तो उसका फॉन्ट साइज़ क्या होगा यहाँ पर आप वो ले सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ आपने क्या रखना है, कैसे रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है, और ये है राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है गाइस। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन है, मैंने उर्दू की हुई है, ज़्यादातर हमें उर्दू की ज़रूरत पड़ती है और इंग्लिश में पड़ती है, तो यहाँ पर आप किसी भी ज़बान को डिफ़ॉल्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली उसी में ट्रांसलेशन आएगी। तो ये है उसकी सेटिंग, सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्च की। सर्च में ये होता है कि आपके पास ये देखें ट्रांसलेशन और कुरान, अगर आपको कोई वर्ड या कोई भी चीज़ इसके अंदर फाइंड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी टाइप कर लो यहाँ पर, जो भी आपको मतलब वर्ड इसके अंदर सर्च करना है। जैसे मैं हम्द देखता हूँ, हम क्योंकि ये अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया है तो मे भी इसमें एरर भी आने के चांसेस हैं, आया नॉट फाउंड, ये इस तरह की कोई आयत नहीं है। अच्छा, आयत का चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि
KAUSAR। अगर मेरी स्पेलिंग सही है तो मैंने लिखा है कौसर। सो कौसर की स्पेलिंग नहीं दे रहा है। अब इंग्लिश में हमारी जो अरबी है उसको क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग पता है तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ब्राउज पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपके पास हैं ये तमाम आयत, जिनको आप यहाँ पर पहले चेक कर सकते हो ऐड करने से पहले, ठीक है। ये ऐड नहीं करेगा, ये सिर्फ आप दिखाएगा। सूरह यूसुफ है, ठीक है, इनकी आयत को आप अलग अलग देख सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि इसके अंदर आप हर आयत को अलग अलग देख सकते हो और हर आयत को अलग अलग ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। ये हैं वो आपके पास ऑप्शन जिसके ऊपर आप जिस चाहे उसमें देख सकते हो, यानी कि जौन सी लैंग्वेज में आप देखना चाहो वो देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने इस वाले ट्रांसलेशन को यहाँ ऐड करवा दिया। इस्लामिया और अरबिक की टीचर्स के लिए बहुत बेहतरीन गिफ्ट है कि उनको बार बार ढूंढना पड़ता है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट गिफ्ट है। और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके ऊपर, तो आपके लिए रमज़ान मुबारक में मेरी तरफ से पहला तोहफा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गेट अरेबिक ऑफ ट्रांसलेशन इन कुरान। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे तो आप ज़रा देख लीजिए, यही हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद मैं आपसे अलविदा लूँगा। अल कुरान, पूरा का पूरा कुरान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर तमाम जितनी भी आयात हैं वो सारी की सारी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर मैं किसी भी एक आयात को ले लेता हूँ, सूरह नसर देता हूँ। अब इसके अंदर वो आपको बताएगा इसमें कितनी आयात हैं। 3 आयात हैं, तो आपने क्या करना है, इन 3 आयात को ले लेना। अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सिर्फ आयात आ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आपको उसकी ट्रांसलेशन चाहिए तो दोबारा वहीं जाएंगे। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा ताकि वो आयत दोबारा ना आए। सूरह नसर पे मैं वापस जा रहा हूँ, या आप एक साथ जितनी लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ज़रूर देना है कि कितनी आयत का तर्जुमा आपको चाहिए। तो मैंने 1 से 3 कर दिया है। मैंने कहा अब मुझे इसके ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। मैंने ट्रांसलेशन पर क्लिक किया, अगर अल कुरान पर किया होगा दोबारा से अरेबिक जो वर्ड्स हैं आपके कुरान पाक के वो यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे, मगर मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए थी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ये लीजिए, अब सवाल ये पैदा होता है ये उर्दू कहाँ से आ गई। उर्दू इसलिए आया क्योंकि मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में सेट किया हुआ है उर्दू। तो मैंने जब यहाँ पर ट्रांसलेशन ली तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इंग्लिश को तो टिक मैंने बाद में किया ना, इससे पहले उर्दू पहले से ही टिक हुआ हुआ था। यही बात मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको इसकी सेटिंग्स दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर किसी और ज़बान में आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर फ्रेंच में करना चाह रहे हैं, ओके करें। ये आपके पास फ्रेंच आ गई। अब एक आयत का तर्जुमा, क्योंकि मैंने वहाँ से सेलेक्ट एक आयत की थी तो इसलिए यहाँ पर एक आयत का तर्जुमा आ गया है। इसके बाद आप दोबारा जाइए और किसी और ज़बान को भी आप ले सकते हैं। तो सूरह फातिहा है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको मैं तामिल ले लेता हूँ और मैं उर्दू यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अल कुरान हटा लें आप, ये लीजिए तामिल भी आ गई। तो गाइस कैसा लगा, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। तो इसको इस्तेमाल करो, दुआओं में याद रखो मुझे और मेरे वालदेन को ख़ास तौर पे। मैं भी आपके लिए दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको बस ये सब कुछ समझ में आ जाए, मेरी कोशिश आप तक पहुँच जाए और मेरी कोशिश आप तक पहुँच जाए। तो भाई लाइक तो कर दिया करो वीडियो को, और दूसरा ये है कि सब्सक्राइब कौन करेगा, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। अदरवाइज जब खोलोगे, जब याद आएगी तभी खोलोगे, तो फिर कैसे सीखोगे, अभी टाइम है सीख लो। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ सबको, दुआ में याद रखिएगा, और मेरी तरफ से एक बार फिर रमज़ान अल मुबारक।